केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही बिहार में नल जल योजना से संबंधित हुए घोटाले सहित कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में हुए घोटाले मामले में इनकम टैक्स की तफ्तीश रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकती है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि जब तक इनकम टैक्स की पूरी रिपोर्ट हमें नहीं मिल जाएगी तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल गुरुवार को ही इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और दस्तावेज इनकम टैक्स के तफ्तीश करने वाली टीम के हाथ लगे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसे साजिश के तहत कई बड़े ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के आपसी मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही शुरुआती दौर की तफ्तीश में ये भी जानकारी इनकम टैक्स की टीम को प्राप्त हुई कि करोड़ों रुपए के घोटाले का पैसा कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के पास कमीशन के तौर पर गया था। कमीशन के इसी लाखों करोड़ों रुपए का इस्तेमाल चुनावी कार्यों में किया गया है। हालांकि अब ये तफ्तीश का मसला है, लेकिन शुरुआती इनपुट्स को देखकर ऐसा लगता है कि इस मामले में बिहार के कई नेताओं के साथ साथ कई भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर जांच एजेंसी अपना शिकंजा कस सकती है। इनकम टैक्स के अधिकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ अधिकारी संपर्क में भी है, लिहाजा जल्द ही इस मामले को ईडी दर्ज कर सकती है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने नल जल योजना से जुड़े दो ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद आईटी की टीम ने नल जल योजना का काम देखने वाले एजेंसियों के खिलाफ एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में छापेमारी की।